अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, वेलकम टू योर न्यू क्लास। आई एम योर साइंस टीचर आकिफा अंजुम। टुडे वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर साइंस स्किल, साइंस की महारतें। व्हाट इज साइंस? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन ये होता है कि साइंस है क्या। बेटे साइंस में हम स्टडी करते हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड को, हम बहुत कुछ नया सीखते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू ऑब्जर्वेशंस। साइंस इज अबाउट, सबसे पहला बेटा आपका क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। साइंस इज अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द नेचुरल थिंग्स। साइंस बेटा है ही उस चीज़ का नॉलेज गेन करना, किस चीज़ की मदद से? ऑब्जर्वेशंस की मदद से, एक्सपेरिमेंटेशन की मदद से। ऑब्जर्वेशन बेटा हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे आजकल तो मैं यही एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ जो आजकल डिजीज़ कॉज हो रही है। फॉर एग्जांपल द डिजीज़ इज़ कोविड 19। कोविड 19 डिजीज़, आप सोच रहे होंगे बेटे ये डिजीज़ किस तरह से पैदा हुई, ये डिजीज़ किस तरह कॉज हो रही है, इस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं ये, आप सोचते हो ना ये सिम्टम है ऐसे कॉज हो रही है लगता। फिर आप ये भी सोचते हो कि इस डिज़ीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं कि हम बच सकें, एहतियाती तदाबीर, सब कुछ हम जो सोचते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। फिर हम उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया कि ये काम करके हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। और भी बहुत सारे नेचुरल थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनके बारे में आप सोचते हो, कुछ भी सोचते हो, फिर आप सोचते हो कि हाँ ये काम कैसे कर रहा है, पौधे बड़े कैसे होते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करते हैं। फिर आप एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हो आया कि ये चीज़ इसमें है या नहीं है, डैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। एंड जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसके थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन हो जाता है। और फिर जो हमें इस चीज़ से नॉलेज डिस्क्राइब होता है, फिर हम उससे हमारी जो वो चीज़ है उसको बयान कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों के दरमियान। हमारे पास ऑथेंटिक रीज़न होती है, हमारे पास एक लॉजिक होता है अपनी बात को डिफाइन करने के लिए, डेट इज़ कॉल्ड साइंस। साइंस को डिफाइन करने के लिए हमें लॉजिक चाहिए, हमें रीज़न चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट चाहिए, प्रूफ चाहिए। ये सब कुछ होगा तो हम साइंस में नेचुरल थिंग्स को डिफाइन कर पाएंगे। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस की मदद से हमारे इर्द गिर्द मौजूद माहौल को समझते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एंड टू ट्रेन आर माइंड टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। फिर हम अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लेते हैं कि वो सोचते ही बड़ी अमेजिंग अमेजिंग सी थिंग्स हैं। साइंस इज स्प्लिट इन टू थ्री मेन एरियाज ऑफ स्टडी। साइंस के अंदर थ्री थ्री मेन पोर्शंस हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट गोज ऑन इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर दे लिव, आर अपॉन विच दे रिलाई टू फॉर फूड एंड शेल्टर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी। बेटे सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी के अंदर हम पूरी दुनिया के जो जानदार चीज़ें हैं, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, जानवर हैं, इंसान हैं, पौधे हैं, उस चीज़ की स्टडी, उनकी ज़िंदगी की स्टडी, उनकी लाइफ की स्टडी, डेट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। इट कवर्स एवरीथिंग, इसमें हर चीज़ तो आ जाती है, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, मतलब हम अपने नेचुरल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी करते हैं इसमें। एनिमल्स हैं, पौधे हैं, ह्यूमंस हैं, पनाह कैसे लेते हैं, शेल्टर कैसे लेते हैं, अपनी फूड कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं। और बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में छोटे छोटे से ऐसे जानदार जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते, हम सिर्फ़ और सिर्फ उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमें नज़र आता है कोई आम आँख से? नहीं आता, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, छोटा सा जानदार है, टाइनी ऑर्गेनिज़म है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं।
है तो कुदरती तौर पे वो नेचुरल है, लेकिन वी कांट सी विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस चीज़ की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में आ जाती है। बायोटेक्नोलॉजी से हम अपनी ये फूड क्रॉप्स वगैरह एक्सेट्रा बहुत कुछ जो है इसको हम बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारा केमिस्ट्री रह गया। केमिस्ट्री और फिजिक्स जो टू टॉपिक्स रह गए हैं ये हम कल रीड आउट करेंगे। आज हम अपने कुछ क्वेश्चन आंसर साथ कर लेते हैं। आपने जो क्वेश्चन आंसर इसके साथ करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस। साइंस इज अबाउट नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन। मिट्टी ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग यहाँ थोड़े से रॉन्ग हो गए हैं। OBSERVATION, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन बाय यूजिंग दैट नॉलेज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल वर्ल्ड। साइंस उस चीज़ का नॉलेज जिसमें हम ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने अभी आपको डिटेल से बताया, एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में भी बताया, उसके हेल्प से हम अपनी नेचुरल थिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ मैनी मेन एरियाज वी स्टडी इन साइंस। वी थ्री एरियाज हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी मतलब रीजनिंग। उस चीज़ की लाइफ की स्टडी हमने करनी करनी है, साथ हमने ऑथेंटिक रीज़न देनी है कि या आया ये चीज़ हम जो बोल रहे हैं क्या वो हम ठीक बोल रहे हैं, उस बात में कोई लॉजिक है, कोई रीजनिंग है, कोई अमेजिंग कोई फैंटेसी थिंग है। इस चीज़ की स्टडी इज़ कॉल्ड बायोलॉजी साइंस। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आपने अपना टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने पेज प्रिपेयर करना है और ये थ्री क्वेश्चंस आपने राइट करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। सिक्स क्लास।